अस्सलाम वालेकुम सभी ग्रुप के साथियों को मेरा सलाम, और सभी तो उधर बात को दिल्ली के, दिल्ली से बाहर के, इंडिया पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी शौकीन है सभी लोगों को मेरा उस्ताद आरिफ का अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद आरिफ रघुवंशी से तो भाई साहब बात ऐसी है, मैंने दोपहर में भी इस कबूतरों की जोड़, ये जो बैठी है अंडों पर मार्जिन जंगली कबूतरी है, इसकी दोपहर में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बनवाई थी। तो हमारे घर में ये साल डेढ़ साल से ये जोड़ा यहाँ आता है, तो ये जोड़ा जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम इसी सोफे के ऊपर, इसी सोफे पे ये अंडे देके देते थे, तो हम इनके अंडे फेंक दिया करते थे, तो ये दो तीन दिन तक नहीं आते थे, फिर अल्लाह जाने नाराज़ हो जाते थे या क्या वजह थी, फिर ये आने लगते थे, फिर दोनों नर मादे यहाँ बैठा करते थे, तो अब इन्होंने दोबारा अंडे रख दिए, तो अब क्या अंडे हमने इन्होंने इनके फेंके नहीं है। तो मैंने ये वीडियो जब बनाई तो लोग चलने के उस्ताद ये शाम के टाइम भी ऐसे ही बैठते हैं, मैंने कहा जी शाम को कभी चले जाते हैं कभी बैठते हैं, तो ये शाम में भी अक्सर रहते हैं यहाँ पर। तो अब ये वीडियो जब है इसमें ये मैं दिखा रहा हूँ कि जंगली कबूतर का ये जोड़ा, अल्लाह जाने कि इनको हमसे प्यारे या हमारे मकान से प्यारे या हमारे घर में इनको क्या चीज़ अच्छी लगती है या क्या है, तो ये तो अल्लाह ही जाने। तो भाई देखो ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, इसके साथ बैठते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ से जाते नहीं है, और मैंने भी घर में कह रखा है कि इनको जो है आप कभी तंग नहीं करेंगे, बच्चों से भी मैंने बोल रखा है कि इनको नहीं सताएं, ये हमसे कुछ नहीं कहते, हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। और ये जो जोड़ा है अभी दिन में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें वो नर बैठा हुआ था, अब ये शाम हो गई तो ये मादिन आ गई, नर बाहर चले गया। तो मेरे दोस्तों साथियों ये वीडियो इस तरीके की है कि जंगली कबूतर इतने करीब से मैंने तो कभी आज तक कहीं देखे नहीं है, और कहीं हो तो मुझे पता भी नहीं है। तो ये भाई साहब देखें शौक इसका, और सबको अच्छा लगेगा और प्यारा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखो मेरे घर में ये मेरे पास ही बैठे हैं, अभी हम यहाँ खाना खाएंगे बैठे रहेंगे, लेकिन ये भी इसी तरीके से बैठा रहेगा।